आप देख रहे हैं क्राइम 100 न्यूज, हर खबर सच के साथ। संवाददाता मनीष गुप्ता की खास रिपोर्ट। कानपुर आए दिन सेंट्रल गार्डलों को पायलट रनिंग रूम में संविदा कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण को लेकर संविदा कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष एवं महामंत्री ने रेलवे एसएस कानपुर से मुलाकात कर रेल संविदा कर्मचारियों का हक, रेल के कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी और ठेकेदार फायदा उठा रहे हैं। इस मामले की शिकायत संस्था द्वारा रेल मंत्रालय, लेबर कमिश्नर मंत्रालय, डीआरएम अथवा रेलवे जनरल मैनेजर को भी दी। लगातार रेलवे अधिकारियों के द्वारा केवल आश्वासन ही दिया जा रहा, किसी भी प्रकार मामले को संज्ञान में लेकर रेलवे संविदा कर्मचारियों की सुनवाई नहीं हो रही है। पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि हमारी मांगों पर अगर विचार नहीं किया गया तो बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर अध्यक्ष दुर्गेश्वर प्रसाद, महामंत्री रमेश चंद्र कनौजिया, संयुक्त मंत्री मोहम्मद अशरफ, संरक्षक श्याम मोहन दुबे, संरक्षण महेश त्रिवेदी, उपाध्यक्ष पंकज त्रिवेदी आदि लोग उपस्थित रहे। पर्चे दीजिए। मैं रमेश कनौजिया, रेल संविदा कर्मचारी यूनियन का महामंत्री हूं। आज आप कहां पर और किससे मुलाकात करने थे, किस संबंध में मुलाकात करने हैं? आज हम रेल संविदा कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है उसके संबंध में एरिया निदेशक, स्टेशन निदेशक के पास गए थे, परंतु उनसे मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि जो दुर्घटना हुई है उसकी सीआरएस इंक्वायरी चल रही थी। तो फिर जो है उसके बाद हम एसएस कानपुर से मुलाकात किया और उनको एक लिखित पत्र दिया है जिसमें माननीय विधायक महेश त्रिवेदी जी का भी कवरिंग लेकर रखा हुआ है। कितनी मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे कोई नहीं है, हमारी केवल जो गवर्नमेंट रेल संविदा कर्मचारियों को सुविधा दे रही है उन सुविधा को रेल के भ्रष्ट अधिकारी और ठेकेदार मिलकर बंदर बांट करके लूट रहे हैं, जिनका कमाया हुआ धन उनके बच्चों में पेट पे ना जाकर गलत हाथों में जा रहा है, उसी की लड़ाई है। इस मामले की आपने अभी तक कहां कहां शिकायत करी है? इस मामले की हमने रेल मंत्रालय में भी चिट्ठी दी है, लेबर कमिश्नर को भी दिया है और रेल संविदा के सॉरी मंत्रालय में भी दिया है। वहां से भी जवाब अच्छा आया कि हम इस पर काम कर रहे हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है, और डीआरएम को और जनरल मैनेजर, रेलवे जनरल मैनेजर को भी इसकी हमने सूचना दी है। आज आपको क्या आश्वासन दिया गया? आज यह आश्वासन दिया गया कि हम देखते हैं, और कोई अच्छा आश्वासन अभी तो नहीं मिला है, लेकिन जब वो आश्वासन के बाद कुछ काम करके देखेंगे और गरीबों का शोषण रुकवाएंगे तभी हम उनको अच्छा मानेंगे। अगर आपकी जन सुनवाई नहीं होगी तो इसके आगे क्या करेंगे आप? जन सुनवाई नहीं होगी तो इसके आगे हम और लड़ाई लड़ेंगे और इनका जो हक है, जो इनके पैसे पे लूट और राजनीति डाका डाला जा रहा है, उसको हम उनका हक दिलवा के रहेंगे। पर्चे दे दिया और आज कहाँ पर किससे मुलाकात हुई है, किस संबंध में? मेरा नाम दुर्गेश्वर प्रसाद है, मैं रेल संविदा कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष हूँ। आज एरिया मैंने इस मुलाकात करने का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन सीआरएस की इंक्वायरी आज सेटल हो गई इसलिए आज वहाँ बात नहीं हो पाई। हम लोगों ने अपना ज्ञापन जो है एसएस को सौंप दिया, सारी स्थिति से उनको अवगत करा दिया गया कि कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है, जो भी उनका न्यूनतम वेतन जिस आधार पर उसने कॉन्ट्रैक्ट में ठेका लिया है वो वेतन उसे नहीं मिल रहा है, उन्हें रेस्ट नहीं दिया जा रहा जो वीकली मिलना चाहिए था, और जितनी टोटल स्ट्रेंथ है जिस पे उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उससे कम कर्मचारियों द्वारा काम कराया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों पर वर्कलोड पड़ रहा है, जिससे काम प्रभावित हो रहा है। इसके विषय में हम लोगों ने रेल मंत्रालय तक, श्रम मंत्रालय को, डीआरएम इलाहाबाद, जीएम इलाहाबाद, इन सबको सूचित कर दिया गया है, और संबंधित जो राजनेता हैं उनकी भी प्रतिलिपि जो है उसके साथ संलग्न कर दी गई।